हेलो जिज्ञासु पीपल, आज से 2-2.5 साल पहले हमने सोचा भी नहीं होगा कि हम घरों में बंद हो सकते हैं। ये एक बुरे सपने से कम नहीं है। COVID-19 पेंडेमिक की वजह से हमारी लाइफ में कई चेंजेस आए और हमने इस पेंडेमिक की वजह से कई अपनों को खोया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि COVID-19 पेंडेमिक से पहले हमारी लाइफ स्टाइल कैसी थी और COVID-19 पेंडेमिक के बाद हमारी लाइफ स्टाइल कैसी हो गई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी थी COVID-19 पेंडेमिक से पहले। अगर हम बच्चों की बात करें तो सुबह उठकर स्कूल जाना, फिर घर आना, फिर पढ़ाई करना, फिर कोचिंग जाना, फिर खेलना और फिर सो जाना। ज्यादातर बच्चों का यही था टाइम टेबल कोरोना से पहले। लेकिन हम बड़ों का बात करें तो सुबह उठकर काम पर जाना, फिर शाम को काम से वापस आना, फिर घर का काम करना। लेकिन इस कोविड पेंडेमिक में सब कुछ बदल कर रख दिया, जहाँ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और बड़े वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इस COVID-19 पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया और इस पेंडेमिक में कुछ अच्छी आदतें भी लगी और कुछ बुरी आदतें भी लगी। जैसे हम हेल्थ कॉन्शियस हुए और हेल्थ एंड हाइजीन पे हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। हमने योगा किया और मेडिटेशन किया और हमारा रुझान आयुर्वेद की ओर बढ़ा। अब ज्यादातर घरों में लोग काढ़ा पीते हैं और हमने हेल्थ के साथ साथ हाइजीनिक में भी काफी ध्यान दिया। अब हम अपने हाथ को सैनिटाइज रखने लग गए। लेकिन कई गलत आदतें भी लगी, जैसे हम मोबाइल की स्क्रीन में बंद हो गए। अगर हम एवरेज मोबाइल चलाने का टाइम देखें तो वो करीब 4 घंटे से ज्यादा का हो चुका है। ये तो आपने भी नोटिस किया होगा। और जहाँ लोग पहले सोशली और फिजिकली इंटरेक्ट करते थे, वहाँ अब लोग वीडियो कॉल और वॉइस कॉल के जरिए इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं। और हाँ, आज मास्क और सैनिटाइजर आपके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। आप बिना मास्क और सैनिटाइजर के अब आप कहीं नहीं जा सकते। जहाँ पहले लोग शॉपिंग मॉल और मार्केट में जाके शॉपिंग करते थे, वहीं लोग आज घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। और COVID-19 पेंडेमिक की वजह से कई फिल्म सिनेमा हॉल की बजाय OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई। आज हर चीज ऑनलाइन हो गया, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे वो ऑनलाइन मूवी देखना हो, चाहे वो ऑनलाइन एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो ऑनलाइन गेम खेलना हो। इसी कारण से लोगों का स्क्रीन टाइम और स्मार्टफोन यूज करने का टाइम भी बढ़ गया। जहां कोरोना से पहले बच्चे फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल गेम्स ज्यादा खेलते थे, वहीं आज वर्चुअल गेम में बच्चे सीमित रह चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, इसका इम्पैक्ट कोरोना काल के बाद भी रहेगा? आप हमें कमेंट करके बताएं। इस टॉपिक को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जिज्ञासु दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।